आपका नाम क्या? आकाश कुमार। आकाश, कैसा गया पेपर? पेपर आसानी था, मतलब ठीक गया। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने किए, आप लोगों ने किए होंगे, वो वाले आए थे? कम ही थे, मतलब उससे ज्यादा, मतलब हार्ड नहीं था, इजी था उससे। मतलब जैसे रीजनिंग और मैथ्स, और इस बार जीएस भी ऐड कर दिया गया है, पहले तो नहीं होता था ये इसमें ऐड, तो अब ऐड कर दिया गया है, तो क्या मतलब डिफिकल्टी लेवल सिंपल था कि वैसा ही था? नहीं, नॉर्मल ही था, अगर थोड़ी स्पीड होगी तो सारे कर दोगे क्वेश्चन 60 के 60। आप अच्छा कर गया पेपर। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल तो नहीं, जीएस इंग्लिश तो नहीं आती, बाकी मैथ और रीजनिंग सारे कर गया। मैथ रीजनिंग आपका क्या है? हाँ सर, ये बताइए कि क्या कहते हैं, बच्चे बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से हवा थी कि मतलब क्या कहते हैं, पेपर का लेवल टफ हो सकता है, पीओ लेवल पे रीजनिंग जा सकती है, क्या गई थी? नहीं, उतनी तो नहीं की यार, लेकिन क्या कि इसमें कर दिया ना कंप्यूटर ऐड कर दिया, तो उसके कंप्यूटर हार्ड था, तो सारे बच्चे उसमें, मतलब मैक्सिमम बच्चे उसमें से निकल जाएंगे, उसके बाद फिर टाइपिंग भी है, कुछ बच्चे उसमें निकल जाएंगे, तो इस हिसाब से पेपर इसके ईजी बनाया था, तो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। और जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद हैं? जीएस के क्वेश्चन से मतलब वो आया था भीमबेट का गुफा, भीमबेट का की गुफाएं कहाँ पर हैं, ऐसे मतलब नॉर्मली था क्वेश्चन, ज़्यादा भारी नहीं था। सर आपका नाम? सुनील वर्मा। सुनील, कैसा गया? अच्छा गया सर। अच्छा गया। हाँ, माले मिंटो सुधार आया था जीएस में, ध्यानचंद पुरस्कार आया था, और ये सब पहले सबसे पहले तो नीतू मैम को नमस्कार। अच्छा अच्छा, आप लोग, आपने उनसे क्या पढ़ाई की? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक ही बुक पढ़ी है मैंने, प्रिंट तो पैरामाउंट नीति मैम की। अच्छा, बस उसी से ही मैं पहले से ही सिलेक्टेड हूँ ऐसे तो। अच्छा, कहाँ पे? एसएससी में, सीएचएसएल में, 2018, 19, 20, 21 चारों में सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, नीतू मैम की किरात उसी प्रिंट तो पैरामाउंट से, मेनली प्रिंट तो पैरामाउंट। देख रहे हैं कि सिलेक्टेड बंदे भी एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। वॉल्यूम वन, ओनली वॉल्यूम वन। सर अब तो वोकैब भी आ गई मैम की, आपने पढ़ी होगी वो वाली वोकैब? वोकैब भी पढ़ रहा हूँ, और उसकी भी वोकैब मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी है, और मैं अब भी उसी से तैयारी करूँ, हालांकि मैं अपडेट नहीं हूँ। 2017 में मैं हेड कॉन्स्टेबल में सिलेक्टेड था, उसके बाद मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ और जगह भी, अब मैं इसमें हूँ आपके दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी जी, इंग्लिश में तो आपने फाड़ी दिया होगा मुझे लगता है एकदम। हाँ सही था। सर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन किस तरीके से थे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग तो, आप तो बहुत एक्सपीरियंस। मैं कह रहा हूँ वो क्या प्रीवियस ईयर की थी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। हाँ, कंटीजियस हो गया, सिनोनिम्स बता दो इसका, है ना, ऑब्स्क्योर हो गया, और मतलब ऐसे ऐसे कुछ। तो पूरा पेपर ही हमें बता दे रहे हैं एकदम से, पूरा माउंट बेटर पूरा बता दिया। सबसे बढ़िया तो आपका ये जो वो था पैसेज बड़े ईजी थे, पैसेज 3 दिन क्वेश्चन के थे। रीजनिंग का लेवल भी मीडियम ही था, मतलब सर मीडियम मीडियम ही था, पीओ लेवल पे कोई जा नहीं रहा है क्वेश्चन पर? नहीं सर, नहीं सर। कंप्यूटर को भी डाला गया, जा रहा है कंप्यूटर थोड़ा टफ था, बस यही था, पहली बार डाला गया था शायद इसलिए हार्ड हो गया होगा। हाँ, कंप्यूटर टफ था थोड़ा सा, लेकिन बस ये था कि 6 नंबर भी तो क्वालिफाई करना है, देखते हैं अब जो भी होता है, बाकी टाइपिंग में काफ़ी बच्चे निकलेंगे। अरे आप एक्सपीरियंस बनते हैं, मुझे लगता है अगली बार जब हम देखेंगे तो एक और सिलेक्टेड बंदा आप ही हैं, और बनेंगे आप एकदम, फाड़ जाएंगे एकदम। आपका फिर से इंटरव्यू लेंगे जब वर्दी आ जाएगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। मैडम को नमस्कार सबसे पहले, थैंक यू सर।